मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर एल्विश यादव को सांप और सांपों के जहर की खरीद फरोख्त मामले में बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को उनकी जमानत पर एनडीपीएस की लोअर कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट से एल्विश यादव को 50,000 के बेल बॉन्ड पर जमानत मिल गई। इसके साथ ही 5 दिन लुक्सर जेल में काटने के बाद अब वो घर लौटेंगे। ये खबर सुनते ही एल्विश आर्मी के फैंस के बीच में जश्न का माहौल है। वहीं बेल मिलने के बाद एल्विश यादव के वकील प्रशांत राठी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि उन्होंने कोर्ट से कहा कि एल्विश को इस केस में झूठा फंसाया गया है। उनके पास से एनडीपीएस एक्ट का कोई पदार्थ बरामद नहीं हुआ था। राहुल, जिसके पास से पुलिस को जहर मिला था, उसे पहले ही बेल मिल चुकी। बता दें कि एल्विश को कोबरा कांड केस में 17 मार्च को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोप है कि यूट्यूबर रेव पार्टियों में सांप और उनके जहर की सप्लाई करते थे। इतना ही नहीं, एल्विश पर ड्रग्स फाइनेंस करने का भी इल्जाम लगा। नोएडा पुलिस ने एल्विश को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। आदेशानुसार उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। एल्विश यादव के लेकर आज बेल पर सुनवाई थी, क्या कुछ अपडेट होता? ऑनरेबल कोर्ट ने बेल स्वीकार कर ली है, जमानत हो गई, जमानत मिल गई एल्विश को। कब तक उम्मीद करें कि एल्विश जो है जैसे कि 50,000 की दो शेयर की मांगी है, हम कागजी कार्रवाई तैयार कर रहे हैं, जितना जल्दी होगा उतनी जल्दी रिलीज होगा। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है जो पूरी हो जाए उसके बाद आ जाएगा। छुट्टियाँ भी पड़ रही है, छुट्टियाँ भी पड़ रही है, कोशिश करेंगे कि आज रिलीज ऑर्डर चला जाए। क्या ग्राउंड है उनको उसको लेकर? ग्राउंड हमारे पास यही थे कि उससे कोई भी बरामद की नहीं थी, उसको झूठा फंसाया गया था और जिससे बरामद की थी उसकी बेल पहले हो चुकी है। आपको बता दें कि बिग बॉस OTT2 जीतने के बाद एल्विश सुर्खियों में चल रहे थे। उनकी पॉपुलैरिटी पहले से ही ज्यादा हो गई थी, तभी अचानक से एल्विश को लेकर ये चौंकाने वाली खबर सुनने को मिली। 2 नवंबर 2023 को नोएडा पुलिस ने सेक्टर 51 से सेवरोन बैंक्वेट हॉल से 5 लोगों को गिरफ्तार किया। यहां से 9 सांप बरामद हुए, जिनमें 5 कोबरा और 1 अजगर और 2 मुहे सांप थे। सभी सांपों में वेनम ग्लैंड्स गायब थी, जिसमें जहर होता है। आरोपियों के कब्जे से 20 ml सांप का जहर भी बरामद किया गया। वहीं इसी मामले में एल्विश यादव को भी गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 5 दिन जेल में काटने के बाद अब एल्विश को जमानत मिल गई है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।